Good morning, bachche. Yesterday we had started with the one kind of business service, which is banking. So we had discussed the meaning of bank. So we were discussing the types of deposits or types of accounts which you can have with the bank. So there are different types of deposits. We have already discussed saving deposit account, current deposit account, and fixed deposit account. Now coming to the recurring deposit account. What is a recurring deposit account? Bete, recurring means bar bar. ठीक है, recur. जिस ऐसा account जिसमें हम एक fixed amount, एक stipulated amount, ठीक है, जितनी भी हमें लगता है we can have the जितना हमें लगता है हम अफोर्ड कर सकते हैं और जितने टाइम पीरियड के लिए हमें लगता है हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो उतनी अमाउंट हम बैंक को बता देते हैं, एक स्पेसिफाइड अमाउंट एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए हमें बैंक में डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, ठीक है. सो लेट अस से आई हैव ओपनड अ रेकरिंग डिपॉजिट इन माई नेम. So for the amount rupees 1000 per month for the period of 5 years. So every month I will have to deposit 1000 rupees in my account, right, for a period of 5 years. So which means 12,000 in a year I will be depositing, for 5 years I will be depositing. That comes out to be 60,000 rupees. So at the end, after the maturity, that is once this tenure is over, 5 years period is over, I will be getting the lump sum amount. जो मैंने एक एक महीने करके डिपॉजिट कराए हैं एक एक हजार रुपए, वो 5 सालों बाद कितने हो गए, 60,000 रुपए हो गए, प्लस इंटरेस्ट देयर ऑन. इस 60,000 के ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी पड़ा होगा, ठीक है. तो जैसे जैसे सम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसके ऊपर इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा. एक्सक्यूज, आफ्टर दी 5 इयर्स टेन्योर इज ओवर यू विल बी गेटिंग 60,000 प्लस इंटरेस्ट देयर ऑन, ठीक है. द इंटरेस्ट विच यू गेट ऑन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज मोर देन द सेविंग डिपॉजिट अकाउंट but less than the fixed deposit account. Why it is more than saving deposit account? Because here you are, you know, making kind of contract with the bank, or bank, it's in the knowledge of the bank ki at least 1000 aapka har mahine bank mein aana hi aana hai, aur ye amount hamare paas 5 years tak ya jitne bhi time period ke liye aapne rd karai hai, aap 1 year ki bhi kara sakte ho, 2 year ki bhi kara sakte ho. बात यह है कि बैंक को पता है कितने स्पेसिफाइड पीरियड तक आप इसमें से विदड्रॉ नहीं करा सकते, बैंक के पास ही रहना है ये पैसा, ठीक है. तो बैंक के पास एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपकी मनी पड़ी है, दैट्स व्हाई, और उसमें से आपको विदड्रॉल अलाउड नहीं है, दैट्स व्हाई बैंक गिव्स यू हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट एज कंपेयर टू सेविंग डिपॉजिट, ठीक है. बट लेस देन दी एफ डी, फिक्स डिपॉजिट से कम इंटरेस्ट होता है आरडी के ऊपर. उसका रीजन, फिक्स डिपॉजिट में एक लमसम अमाउंट जाती है बैंक के पास. आज 1 लाख की एफ डी कराई 5 सालों के लिए, ठीक है, लेकिन आरडी में क्या करा रहे हो, चाहे 1 लाख रुपया भी कराओ लेकिन आप मंथली इंस्टॉलमेंट में करा रहे हो, तो बैंक के पास लमसम अमाउंट नहीं आई, लेकिन एफ डी में बैंक के पास लमसम अमाउंट है यूज करने के लिए, ठीक है. सो एफडी से कम इंटरेस्ट मिलता है लेकिन सेविंग डिपॉजिट अकाउंट से ज्यादा इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है. मैच्योरिटी से पहले अगर आप विदड्रॉ कराना चाहते हो तो आप को एक लोन फैसिलिटी काइंड ऑफ भी मिलती है, वो भी आप अवेल कर सकते हो. सो फार आई वुड से फॉर स्टूडेंट्स और फॉर स्मॉल सेवर्स दिस इज अ बेस्ट इंस्ट्रूमेंट. अगर आपको सेविंग्स के लिए एक अकाउंट खोलना है और आप थोड़े से एक्स्ट्रावेगेंट हो, यानी आपके अकाउंट में पैसे आते हैं आपको लगता है चलो मैं खर्च लेता हूँ, ये ले लेता हूँ वो ले लेता हूँ, ठीक है,
तो फॉर सच काइंड ऑफ पीपल रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कि आप एक तो स्मॉल अमाउंट आपको करनी है, ठीक है, हर महीने आपके ऊपर प्रेशर होगा, हाँ इतना पैसा आरडी में कराना ही कराना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी इनकम में से निकल आएगा, प्लस आपने फिक्स पीरियड के लिए कराई है तो उससे पहले आप विदड्रॉ भी नहीं कर सकते, इसके साथ कोई आपको चेक फैसिलिटी नहीं मिलती, चेक फैसिलिटी सिर्फ दो अकाउंट्स में मिलती है, कौन कौन सी, सेविंग में और करंट अकाउंट में, ठीक है। सो आरडी क्लियर है, ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट जिसको हम मॉड, नॉर्मली मॉड के नाम से भी जानते हैं, और इट इज अ फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट। क्या है ये अकाउंट बेटे, क्या होता है इसमें फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट में? सी मेरा एक सेविंग अकाउंट है, मेरी सारी की सारी सैलरी उसमें जाती है, तो मैं अपनी सैलरी का बहुत ही स्मॉल परसेंटेज कभी कभार निकाल लेती हूँ, बाकी एज इट इज मेरे अकाउंट में पड़ा रहता है, ठीक है। अब सेविंग डिपॉजिट में मुझे इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, 3% मिल रहा है। सेकेंडली दीज डेज वी आर कैरिंग ATMs, ATM कार्ड्स, ऑल ऑफ अस डेबिट कार्ड होते हैं हमारे पास, और आजकल फ्रॉड भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि कोई मेरे साथ फ्रॉड करके मेरे सेविंग अकाउंट में से पैसे विदड्रॉ कर ले, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने बैंक को अप्रोच किया, मैंने कहा कि मेरे अकाउंट में हमेशा 50,000 मिनिमम होना चाहिए, लेकिन इससे ओवर एंड अबव जब भी मेरे अकाउंट में डिपॉजिट होगा इसको आप FD में कन्वर्ट कर दीजिए, राइट। आई वॉन्ट के इन माई अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओनली 50,000, एनी स्टिपुलेटेड अमाउंट जितनी भी आपको लगती है उतनी आपने बैंक को बता दी कि भी हमारे अकाउंट में हमेशा मिनिमम इतना बैलेंस होना चाहिए, इससे ओवर एंड अबव अगर अकाउंट होता है तो आप इसमें इसको FD में क्रिएट कर दो। सो बैंक एडवाइस मी टू ओपन मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट, ऑन द एडवाइस ऑफ बैंक आई ओपन्ड मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट। नाउ व्हाट हैपेंस, मेरा सारी की सारी सैलरी इसमें जाती है, लेकिन सैलरी में से जितना भी मेरा बैलेंस जितना भी है, सपोज 3.5 लाख मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो 50,000 आई कैन स्पेंड, आई कैन विदड्रॉ एनी टाइम, बट रेस्ट ऑफ द अमाउंट दैट इज 3 लाख दैट हैज बीन फिक्स्ड बाय द बैंक, इसमें से मैं मनी विदड्रॉ नहीं कर सकती, ठीक है। इससे बेटे एक तो सेफ्टी का इंस्ट्रूमेंट हो गया ये, दूसरा आप ऐसे इसको खर्चोगे नहीं पैसे को, आपको पता होगा अच्छा इसकी तो FD क्रिएट होगी है तो जो एक्स्ट्रावेगेंट लोग हैं वो नहीं खर्चेंगे, तीसरा आपका चेक डिसऑनर होने का खतरा बच जाएगा। लेट अस से आपने चेक काट के दे दिया किसी को, चेक था से 70,000 का, अब 50,000 आपके इसमें से हैं, तो आपका चेक डिसऑनर नहीं होगा। जब 70,000 का चेक बैंक के पास आया और बैंक ने देखा कि आपके सेविंग में 50,000 पड़े हुए हैं और आपके FD में 3 लाख पड़े हैं, तो बैंक ऑटो स्वीप फैसिलिटीज को कहते हैं, ऑटो स्वीप फैसिलिटी, आपको पता है बेटे सब कुछ तो सॉफ्टवेयर से होता है आजकल, है ना, तो ऑटोमेटिकली बैंक का सॉफ्टवेयर जब बैंक चेक लगाएगा 70,000 रुपए का मेरे नाम का, मैंने किस आपको चेक काट के दिया 70,000 का, लेकिन बैंक को इंस्ट्रक्शंस क्या दी हुई है, देयर शुड ओनली बी 50,000 रुपीज इन माई अकाउंट। सो बाई चांस आई हैव गिवन यू द चेक ऑफ 70,000 रुपीज, सो व्हाट व्हेन जब बैंक का सिस्टम देखेगा कि 70,000 का चेक आया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली FD में से सेविंग में 20,000 ट्रांसफर कर देगा। ऑटोमेटिकली मींस ऑन इट्स ओन, ऑटो स्वीप का मतलब ट्रांसफर हो जाएगा, यू नो द मीनिंग ऑफ स्वीप, यस, सो इट विल बी ट्रांसफर टू माय
अकाउंट सो माई चेक विल नॉट बी डिसऑनर्ड. इज इट क्लियर? किसी को डाउट बेटे? ठीक है, समझ में आ गया? सो विच इज द सेफर इंस्ट्रूमेंट टू कीप योर मनी, इन द सेविंग अकाउंट और इन द मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट? मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट. ठीक है, सो आई टोल्ड यू दैट वन बेनिफिट ऑफ ओपनिंग दिस अकाउंट इज दैट योर चेक विल नॉट बी डिसऑनर्ड. Another is you will be getting higher rate of interest. Because जितनी हम अगर ये 3.5 लाख आपका 3% आप saving में पड़ा रहता तो आपको 3% interest मिलता. अब आपको 50,000 के ऊपर 3% मिल रहा है. इसके ऊपर अगर FD का rate 5% है तो you are getting 5% rate of interest. ठीक है बच्चे? So these are the types of accounts or deposits which a person can open in the bank. Right? So, next topic we have is banking services. Banks offers various kinds of services. Let us discuss the various services. Now, let us discuss the various types of banking services. Banks offer us various kinds of services. We will be discussing these three services offered by the bank, which are bank draft, overdraft, bank overdraft, and cash credit. ठीक है. What is a bank draft? बेटे, bank draft is an instrument which is used. It's a financial instrument with the help of which funds can be remitted from one person to another or from one place to another. Sometimes when we issue check, what happens? The check gets dishonored. कई बारी आप किसी दूसरे person को check से payment करते हो, वो अपने bank में जाता है, तो bank बताता है जिस person ने आपको check काट के दिया है, उसके account में sufficient funds नहीं है. So check always has the risk of being dishonored. Secondly, check might get displaced. Misplaced हो गया अगर चेक किसी और के हाथ लग गया, अगर वो बेरर चेक है तो वो उसको इन कैश करवा सकता है. ठीक है? यस, चेक और ड्राफ्ट में कैसे फर्क पड़ता है? हाँ, बेरर चेक हो ना, दो तरह के चेक होते हैं, एक होता है बेरर, दूसरा होता है क्रॉस्ड. बियरर जो होता है, बियरर का मतलब क्या? द वन हु इज बियरिंग इट कैन गेट इट इन कैश. ठीक है, मेरे नाम का चेक है, आपके हाथ लग गया, आप बैंक गए, आपने कहा कि ये चेक है, तो उसने कहा कि ये तो मोनिका के नाम का है, तो आपने कहा शी कांट कम, शी हैज सेंड मी, तो आप मेरे को इन कैश कर दीजिए. आजकल वैसे बैंक ने काफी प्रिकॉशंस लेनी शुरू कर दी है. अगर बैंक बड़ी अमाउंट का होता है ना, तो बैंक उस पर्सन को कॉल करके पूछ लेता है कि भी ऐसे ऐसे आपका चेक लग रहा है, डू मैसेज भी आ जाता है. अगर क्रॉस चेक भी है ना तो भी मैसेज आ जाता है. ठीक है, क्रॉस चेक तो अकाउंट में जाता है बेटे. अगर मैंने क्रॉस चेक काट के दी, मुझे मेरे पास क्रॉस चेक आया है, मुझे किसी ने पेमेंट करनी थी, उसने मुझे क्रॉस चेक दिया. क्रॉस चेक क्या होता है? क्रॉस चेक, चेक जिस सिंपल चेक की तरह यहां दो लाइंस लगा दो, इसको क्रॉस चेक कह देते हैं. या इनमें लिख दो पेई अकाउंट या अकाउंट पेई. मतलब क्या है? चाहे दो लाइनें लगी हो, चाहे अकाउंट पेई लिखा है या पेई अकाउंट लिखा है. पेयर कौन है? पे करने वाला. पेई कौन है? जिसको मिलना है. पेई, हियर आई एम द पेई, मुझे आपने चेक काट के दिया, आई एम द पेई. तो अकाउंट पेई का मतलब इसने कहा कि ये जो मैं अमाउंट चेक के थ्रू भेज रहा हूं, दिस शुड बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इनटू द पेईज अकाउंट. तो पेई कौन है? जिसके नाम का चेक कटा हुआ है, मेरे नाम का कटा है, तो ये मेरे अकाउंट में जाएगा. कोई फ्रॉड ही नहीं हो सकता इसमें. बट अगर बेयरर चेक है तो उस केस में फ्रॉड हो सकता है. ठीक है, अब
बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक प्लेस से दूसरी प्लेस से। बेटे जो बैंक ड्राफ्ट है ना, सबसे पहले मैं बता देती हूँ बनता कैसे है, ठीक है, फिर मैं बताती हूँ यूज कहाँ पर होता है। बनता कैसे है, आप एक बैंक का आपको ड्राफ्ट चाहिए, सपोजिंग आपने प्लस टू यहाँ से क्लियर कर ली, अब आपको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, डीयू में एडमिशन लेनी है, तो आपको डीयू के कॉलेजेस का प्रॉस्पेक्टस मंगवाना है, राइट? आजकल तो बेटे वैसे ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है, लेकिन फिर भी बिजनेस वर्ल्ड में ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है तो आपको पता होना चाहिए। तो आपने प्रॉस्पेक्टस मंगवानी है, आपने उनकी साइट खोली, उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो बैंक ड्राफ्ट बना के भेज दो 500 रुपए का इन फेवर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और हमारा बैंक और बैंक का नाम लिखा होगा, सपोजिंग उनका बैंक है यस बैंक, इन फेवर ऑफ डीयू यूनिवर्सिटी। आपने ड्राफ्ट किसके नाम का बनाना है, डीयू के नाम का बनाना है, या कोई भी रामजस कॉलेज है, रामजस कॉलेज के नाम का बनाना है। कौन से बैंक के बनाना है, यस बैंक, और उसका कौन सा अकाउंट नंबर है, डीयू का अकाउंट नंबर, वो भेज देंगे, ठीक है। यू विल गो टू योर ओन बैंक, यू विल टेल देम आई हैव टू गेट अ ड्राफ्ट मेड, ठीक है, वो कहेंगे कितने का बनाना है, आप बोलोगे 500 रुपए का बनाना है। तो डिफरेंट अमाउंट्स के ऊपर बैंक डिफरेंट कमीशन चार्ज करता है, नॉमिनल कमीशन होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, 10, 20, 50 रुपए ऐसे होती है। तो लेट अस से बैंक ने कहा अच्छा ऐसे करो 20 रुपए कमीशन है, 520 रुपए दे दो, आपने कैश 520 रुपए दे दिए, ठीक है, या अगर आपका उस अकाउंट में चेक अकाउंट बैंक में अकाउंट है तो आपने 520 रुपए का चेक काट के उनको उसी टाइम दे दिया, तो वो आपको ड्राफ्ट बना देंगे। वो पूछेंगे किसके फेवर में बनाना है, लिख दिया जाएगा डीयू के फेवर में बनाना है। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कौन सा अकाउंट नंबर है, दैट यू विल ऑल्सो टेल, सो वो यस बैंक के अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और कौन भेज रहा है, अब देखो डीयू के पास आ गया बट किसने भेजा ये, उसी को प्रॉस्पेक्टस भेजेगी ना डीयू, तो आपका नाम भी उसमें मेंशन होगा, सो एंड सो फ्रॉम सो एंड सो एड्रेस सो एंड सो अकाउंट नंबर सो एंड सो। ये आपका ड्राफ्ट आपने बाय पोस्ट, इसको आप बाय पोस्ट भेज दो, इट इज वेरी वेरी सेफ, इट इज वेरी वेरी सेफ, चेक इज नॉट सेफ, अगर आप बाय पोस्ट चेक भेजते हो, मिसप्लेस हो गया, किसी के हाथ लग गया, इट्स नॉट सेफ, बट दिस इज वेरी वेरी सेफ इंस्ट्रूमेंट। आपने भेज दिया वहां पे, डीयू के पास आ गया, अब डीयू में तो हजारों बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, तो जैसे जैसे उनके पास डिमांड ड्राफ्ट आते जाएंगे या बैंक ड्राफ्ट आते जाएंगे, वो अपने बैंक में जाएंगे, तो जितने ड्राफ्ट वो शो करेंगे उतने पैसे, ये 500 का ड्राफ्ट है तो पर ड्राफ्ट 500 रुपए उनको बैंक से मिल जाएगा। ये कभी भी डिसऑनर नहीं हो सकता, ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट पैसे दे के बनाया हुआ है, पहले एडवांस में कैश दिया हुआ, ठीक है, चेक में नहीं पता उसको कि आपके अकाउंट में पता नहीं पैसे हैं कि नहीं, मैं डीयू का की एम्प्लॉई हूं, मेरे पास हमने कहा इस बारी चेक मंगवा लेते हैं, ठीक है, तो बच्चों ने चेक काट के दे दिए, तो किसी बच्चे ने क्या किया, अपने पेरेंट्स के अकाउंट नंबर भेज दिया, उसमें पैसे ही नहीं थे, दूसरे अकाउंट में पैसे थे लेकिन पापा ने बताया नहीं, उन्होंने दूसरी अकाउंट का चेकबुक चेक काट के दे दिया। मैं इंप्लॉई हूं, मैं वहां लेके गई, वो कहते हैं ये आपके 10 चेक में तो बैलेंस ही नहीं है, डिसऑनर हो गए, सी हाउ मच इनकन्वीनियंस आई एम फेसिंग, राइट? सो ड्राफ्ट बेटे कभी भी डिसऑनर नहीं होगा, सो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिससे फंड एक जगह से दूसरी जगह रिमिट या एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे रिमिट हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे लेते हैं, आफ्टर डिपॉजिटिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक, बैंक ऑल्सो चार्जेस सर्टन अमाउंट ऑफ कमीशन, ठीक है, तो फॉर इशूइंग द ड्राफ्ट, तो पे जो है वो अपने बैंक में जाके ये ड्राफ्ट को प्रेजेंट करेगा एंड ही कैन कलेक्ट द मनी। ये लेस रिस्की है, क्यों, इट हैज नो चांस फॉर बीइंग डिसऑनर्ड,
इज इट क्लियर? ये मैंने बता दिया कैसे बनता है, यूज कौन करता है नॉर्मली बेटे, यही जैसे कॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, ठीक है, जिन्होंने बच्चों से फीस मंगवानी है या बच्चों को फॉर्म वगैरह भेजना है, तो कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन के लिए दे ऑलवेज मेक यूज ऑफ ड्राफ्ट। कल को आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो गवर्नमेंट कहती है कि इतनी फीस, गवर्नमेंट आपका अरेंजमेंट करती है ना, कॉम्पिटिशन आपने देने हैं, IAS की आपने एग्जाम्स देने हैं, तो आपको फीस देनी पड़ती है कि नहीं? पता है वो फीस गवर्नमेंट किसके थ्रू मंगवाती है? बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, ठीक है? सो दिस वॉज वन इंस्ट्रूमेंट, वन बैंकिंग सर्विस और वन सर्विस ऑफर्ड बाय द बैंक्स। कमिंग टू द नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बेटे। व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? इट इज अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द करेंट अकाउंट होल्डर्स वेयर बाय दे कैन विदड्रॉ अमाउंट ओवर एंड अबव देयर बैलेंस इन द अकाउंट, बट डू नॉट थिंक इट लाइक दिस के दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू ऑल द करेंट अकाउंट होल्डर्स, ओनली अ फ्यू रिस्पेक्टेबल क्लाइंट्स ऑफ द बैंक्स और दोज इंजॉइंग गुडविल, गुड रेपुटेशन, गुड क्रेडिट वर्दीनेस, दे कैन बी प्रोवाइडेड दिस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सो क्या है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? अगर आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल की हुई है, उसकी एक लिमिट होती है, से आपको 1,00,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिली हुई है, उस केस में आप अपने अकाउंट में जितना भी आपका बैलेंस है, अगर 1,00,000 बैलेंस है तो आप 2,00,000 तक विदड्रॉ कर सकते हो विदाउट यू नो एनी बैंक कुछ नहीं पूछे, इमीडिएटली विदड्रॉ हो जाएगा। अगर आपके पास ATM है आपके करंट अकाउंट का और आपने ATM से बैलेंस चेक किया 1,00,000 रुपए है, आपको कितना चाहिए? 2,00,000 रुपए। बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट कितनी दिया हुआ है फैसिलिटी? 2,00,000। तो आप उस ATM कार्ड को यूज करके 2,00,000 रुपए विदड्रॉ कर सकते हैं या 2,00,000 तक का चेक काट के दे सकते हैं, ठीक है? बट ये फैसिलिटी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। आप सोचो कि बैंक ने आपको 10 सालों बाद आप 1,00,000 वापस करोगे? नो, दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेसमैन को तभी दी जाती है, उनकी डेली ट्रांजेक्शन होती है, तो कभी उनका ऊपर नीचे बिजनेस हो जाता है तो उनके पास लिक्विडिटी कम होती है, कैश कम होता है और उनको पेमेंट करने की जरूरत पड़ जाती है, तो दे कैन अवेल दिस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, दे कैन मेक यूज ऑफ दिस फैसिलिटी। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए एक पर्सनल गारंटर या कोई श्योरिटी या करंट एसेट्स एज ए सिक्योरिटी बैंक रख लेता है। जनरली बैंक्स पर्सनल गारंटी पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देते हैं। व्हाट इज पर्सनल गारंटी? यू हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, ठीक है, आपको 4-5 साल हुए बिजनेस खोले, आपका बैंक में अकाउंट है, अब आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, फॉर दैट यू नीड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यू अप्रोच्ड बैंक, बैंक ने कहा ठीक है, उसने देखा आपका सारा पिछला ट्रांजेक्शन वगैरह देखी बैंक के साथ, बैंक ने कहा एवरीथिंग इज गुड इनफ, वी कैन गिव यू फैसिलिटी, बट यू जस्ट गिव अस वन गारंटर। गारंटर का मतलब है एक बैंक का पुराना क्लाइंट जिसपे बैंक को विश्वास है और वो गारंटी लेगा आपके बिहाफ पे कि कल को अगर ये इसने पैसे 1,00,000 रुपए निकाल के ये भाग गया तो इसके पैसे गारंटर देगा। गॉट इट? सो लेट अस से आपके फादर का, आपके चाचा जी का, आपके फ्रेंड का, किसी का भी बैंक में पुराना अकाउंट है और उनको आपके ऊपर फेथ है, तो आप उनको उनकी गारंटी दिलवा सकते हो। गारंटी के लिए आप बैंक एक कागज साइन करवा लेगा कि भी कल को अगर ये पेमेंट नहीं करता है तो ये गारंटर जो है रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी पेमेंट के लिए। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज क्लियर? कमिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ फैसिलिटी विच इज कैश क्रेडिट फैसिलिटी। बेटे इन दिस मेथड द बोरोअर इज अलाउड टू विदड्रॉ अ स्पेसिफिक अमाउंट अगेंस्ट सम सिक्योरिटी। अपने अकाउंट में से वो कुछ विदड्रॉ करवा सकता है, कुछ अमाउंट विदड्रॉ जितनी सेंक्शन की हुई है बैंक ने,
विच मीन्स अगर आपने कैश क्रेडिट फैसिलिटी ली हुई है, सपोजिंग यू अप्रोच बैंक, यू वॉन्ट टू हैव कैश क्रेडिट फैसिलिटी, बैंक विल आस्क फॉर सम सिक्योरिटी. सिक्योरिटी करंट एसेट की भी हो सकती है, आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है 5 लाख रुपए का, आपने कहा ठीक है ये एज ए सिक्योरिटी मैं रख लेता हूँ बैंक के पास, ठीक है. सो आपको कैश क्रेडिट लिमिट मिल गई 2 लाख की, तो विच मीन्स आप 2 लाख रुपए तक कैश विदड्रॉ करवा सकते हो अपने बैंक में, और जितनी जरूरत है उतना आप विदड्रॉ कराते जाइए, ओवरड्राफ्ट की तरह ही है, उतनी अमाउंट के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा पड़ेगा, ठीक है. जितना आप विदड्रॉ कराओगे और जितने टाइम पीरियड के लिए विदड्रॉ कराओगे, यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट फॉर दैट. क्लियर? इट्स जस्ट लाइक द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बट हेयर सम सिक्योरिटी इज देयर एंड नॉट नेसेसरली गिवन टू द करंट अकाउंट होल्डर. जरूरी नहीं है इसके लिए आपका करंट अकाउंट होना. गॉट इट? So these are the three banking services which we were which had been mentioned in the syllabus. Anyone having any doubt?